हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम अक्षरा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इरेडा कन्फर्ड विथ ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। इरेडा एक कंपनी है जिसको मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अब ये इरेडा को क्यों मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, कौन देता है और किसको मिलता है, बेसिकली ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है न्यूज़ इरेडा बैक्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ठीक है, ये मैंने PIB से ली है इरेडा। अब इनको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है क्यों, तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इरेडा का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से डेवलप की जाती है। ठीक है, जिनमें कार्बन न्यूट्रल होते हैं, जो जैसे कार्बन को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब कार्बन एमिशन कम करते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज से जो एनर्जी बनाई जाती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। लाइक सोलर एनर्जी जो है हमारी, ठीक है, जैसे सनलाइट से बनाई जा रही है, विंड से बनाई जा रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है। हैज़ बीन कन्फर्ड विथ ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, तो ये इरेडा को मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अब देखिए किस लिए मिला है, फॉर बीइंग अ लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एक ये लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है किस सेक्टर में, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि फाइनेंस पैसा प्रोवाइड किया, लाइक बैंक जैसा होता है ना, उसी तरह का। ये बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो लोग कंपनी वगैरह डालते हैं वो इनसे पैसा ले सकते हैं, वो इनसे फाइनेंस ले सकते हैं, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ओके। इनको अवार्ड मिला है किसने दिया है, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ICC ने। ICC का फुल फॉर्म क्या है, क्रिकेट से कोई रिलेशन नहीं है इसका, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये अवार्ड इनको दिया है। ठीक है, और किसने रिसीव किया है, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है प्रदीप कुमार दास जी, इस कंपनी के, ये जो है आपकी इरेडा, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, इरेडा की, क्लियर है। तो किसने दिया है, ICC ने दिया है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। किसको मिला है, तो इरेडा को मिला है। और इरेडा क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। किस लिए मिला है, लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में एक लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लियर है। ठीक है, अब मिला क्यों है, तो देखिए ये आपने देख लिया कि लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इनका ये जो पैंडमिक का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे देखिए सभी के पास पैसा कम है, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, बट स्टिल इस टाइम पर भी इरेडा हैज़ एंडेड द ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इन्होंने ये कंप्लीट किया है, मतलब कि अप्रैल से मार्च तक का जो टाइम है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इस ईयर में ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट एंड डिसबर्स्ड द सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन। कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया है इन्होंने, 8,827 करोड़, मतलब सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट दिया है इन्होंने इस टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर। पैंडेमिक के टाइम पर वैसे ही सबकी हालत बहुत ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब चल रही है, बैंक वगैरह से लोन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक जो मतलब लोन प्रोवाइड करता है, तो इन्होंने सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया है पैंडेमिक के दौरान भी। ठीक है, तो एक लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये, क्लियर है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। समझ आ गया, ओके। सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब जब से स्टार्ट हुई है कंपनी, तब से इन्होंने कितना पैसा दिया है, कितना लोन दिया है, तो इरेडा हैज सैंक्शनड लोन्स एग्रीगेटिंग 96,601 करोड़, मतलब अप्रोक्स इतना इन्होंने पैसा दिया है, डिसबर्स इतना करोड़, एंड सपोर्टेड मोर देन इतने मेगावाट, मतलब आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, 17,586 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द कंट्री। मतलब इतना जो इस ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर हैं उनको इतने मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी बनाने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया, पैसा फंड प्रोवाइड करके, ठीक है, ओके, मतलब लोन प्रोवाइड करके बेसिकली, क्लियर है। तो इतने इतना इन्होंने लोन दिया है।
जब से ये बनी है तब से अभी तक। ओके, इरेडा इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दे रखी थी। तो कोविड के टाइम पर इन्होंने अच्छे अच्छे स्टेप लिए और लोन काफ़ी प्रोवाइड किया और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बन के उभरा, ठीक है, एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन बन के उभरा, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये किस सेक्टर में वर्क करता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर कोई बनाने में, उन पर अगर कोई वर्क कर रहा है तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है उस सेक्टर में, ठीक है। ओके, अब इनका जो ये जो कोविड चल रहा है उसकी फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम पर इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है इन्होंने क्या किया है, कंस्टिट्यूटेड एंड कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम, इन्होंने एक कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम बनाई थी जून 2020 में, जब कोविड इंडिया में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम बनाई अपने अपने एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। और जिस टीम ने क्या किया, कंटिन्यूसली टेक केयर किया कोविड 19 पॉजिटिव एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो कोविड 19 पॉजिटिव एम्प्लॉयज थे और उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनकी टेक केयर की इसने, ठीक है, क्लियर है। अब इनको ये जो रिस्पॉन्स टीम थी ना, इनको थोड़ा ट्रेन भी किया गया था कि किस तरह से आपको इनकी केयर करनी है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह जो करते हैं, तो सेम उसी तरह नर्स वगैरह की तरह खुद को उससे नुकसान नहीं पहुंचाना है। पता चला तुम केयर करने तो चलेगा, लेकिन तुम खुद को डिस्टेंस में रख के उनको बिल्कुल किस तरह से केयर करनी, इस सब चीज़ों के लिए थोड़ा प्रिपेयर किया था इसको। ओके, तो इन्होंने जून से स्टार्ट किया था, जिसका रिजल्ट ये आया कि आज कंपनी में 0 एम्प्लॉय हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हों या अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हों। 11 मई 2021 की बात कर रही हूँ मैं, इस दिन तक 0 कोविड इन्फेक्टेड एम्प्लॉयज थे, मतलब इनका कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं था जिसको जो इन्फेक्टेड हो या अंडर ट्रीटमेंट हो, सब ठीक हो चुके थे, ठीक है, और ना ही इन्फेक्टेड बचा था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसने अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा, उनको सही किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखा। ओके, सक्सेसफुली इंश्योर अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया बाय अडॉप्टिंग अ प्रोएक्टिव एंड टाइमली कोविड मैनेजमेंट अप्रोच। इनकी जो कोविड मैनेजमेंट की अप्रोच थी वो टाइमली और प्रोएक्टिव थी, मतलब इन्होंने टाइम पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को क्योर किया, और अवेयरनेस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि सभी फैला रहे हैं, बट यहाँ पे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छे से देखभाल की और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो ये इनकी काफ़ी अच्छी अप्रोच थी। ओके, ठीक है, इरेडा की क्लियर है। अब बात करते हैं इरेडा के बारे में, इरेडा क्या है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया, इरेडा, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रिन्यूएबल, ई फॉर एनर्जी, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एजेंसी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आई फॉर इंडियन तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, याद हो जाएगा, ये है इरेडा। अब कैसी कंपनी है ये, तो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है। किस टाइप की है, मिनी रतन कंपनी है, कैटेगरी वन में आती है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था किस किस टाइप की कंपनी होती है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, ये तीनों टाइप की कंपनीज के बारे में बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। मिनी रतन कंपनी बनने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है मिनी रतन के लिए, ठीक है, तो ये मिनी रतन कंपनी है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE के अंडर आती है। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंडर आती है, ठीक है, यहाँ नाम से समझ आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है, क्लियर है। ओके, कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1987 में, ठीक है, तो 87 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और कैसी कंपनी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट बैंक नहीं है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक के अलावा भी ICICI वगैरह ये सब भी देते हैं ना लोन, तो ये वैसा ही इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ओके, अब इसका वर्क क्या है, क्या करती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, तो गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और स्कीम के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट करती है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कौन से प्रोजेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एंड एनर्जी थ्रू न्यू और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो न्यू और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं किससे, न्यू और रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट से, ठीक है, ये जो विंड है, इन सबसे, ये क्या कर रहे हैं, इससे जो जनरेट करते हैं उन सभी स्कीम और प्रोजेक्ट को ये क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड कंजर्विंग
एनर्जी थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को कंजर्व करके रख रहे हैं, उन कंपनीज को, उन प्रोजेक्ट्स को और उन स्कीम्स को ये फंड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है, इरेडा के बारे में समझ आ गया। इनका मोटो क्या है? एनर्जी फॉर एवर, एनर्जी हमेशा के लिए, एनर्जी फॉर एवर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो है वो इसकी क्या है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इसके अंडर आता है, गवर्नमेंट कंपनी है, मिनी रतन है, फुल फॉर्म क्या है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या एनर्जी थ्रू न्यू और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी ने अवार्ड दिया था ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ये जो आपकी इरेडा कंपनी है इसको। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, ये 1925 से वर्क कर रहा है ICC, ठीक है, जो देता है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक होता है फिक्की, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये और ICC, इन दोनों में डिफरेंस है। ICC बना था 1925 में, ठीक है, ICC 1925 में, और वो बना था 1927 में। ICC ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है और वो पूरी की पूरी इंडिया का है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में, और जो फिक्की है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेड इन 1925 और हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग चैम्बर इन इंडिया। ठीक है, इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं ना, तो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो इंडिया के हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इसके मेंबर्स हैं, मतलब कि बेसिकली बिजनेस करने वाले लोगों का एक ग्रुप है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे फार्मर्स का ग्रुप होता है तो उसकी आवाज़, मतलब फार्मर्स के बारे में कौन गवर्नमेंट को जाके बोलेगा? एक इंडिविजुअल पर्सन तो अपनी राय गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकता, तो फार्मर्स का कुछ ग्रुप होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इनका ही ग्रुप है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसका? बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनका। ठीक है, किसने बनाया था? तो जो ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ग्रुप ने बनाया था, जिसके हेड कौन थे? मिस्टर GD बिरला। ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसके हेड रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो मिस्टर GD बिरला इसके हेड थे। ओके, अब क्या करता है? बेसिकली एबिलिटी टू एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर की नीड है ना उनको समझना, एंड रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस, जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, फ्यूचर में क्या नीड है उसको समझना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, जो चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, एंड प्रिपेयर द स्टेक होल्डर्स इन द इकोनॉमी टू बेनिफिट फ्रॉम दीज चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, उनको समझना, उनके हिसाब से प्रिपेयर होना, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना, मतलब जो चेंजेस हैं, चेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़। देखिए बेसिकली जब चेंजेस होते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, चेंज आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, उस अपॉर्चुनिटी से कैसे बेनिफिट लेना है हमें, ये चीज़ ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि बिजनेस में हमेशा चेंज आते रहते हैं, चेंज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उन अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर लेना, मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, बेनिफिट लेना उससे, ये इनका काम है। क्या प्रिपेयर करना है? किसको? स्टेक होल्डर्स, जो पैसा लगाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसलिए जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सभी जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वही पैसा लगाते हैं ज़्यादातर, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन द इकोनॉमी टू बेनिफिट फ्रॉम दी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो फ्यूचर चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस, सॉरी चेंजेस, जो चेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं उन सभी से बेनिफिट लेना है इनको। ठीक है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉइस ऑफ इंडिजीनियस इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक ग्रुप जो था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनने मिला के बनाया, तो इंडियन जो इंडस्ट्री है उसका पहले, मतलब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी वॉइस भी तो किसी के पास जाए, तो इंडिजीनियस इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उसकी वॉइस को के लिए पहला ही एक मंच था जो गवर्नमेंट के पास अपनी वॉइस को लेके जाए, और ये किसके साथ एसोसिएटेड था? तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी ये था। ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
क्लियर है। इसके बाद इट इज़ अ बॉडी ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये कहाँ कहाँ के लिए? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है और फिक्की ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है ओके। ICC's फ्लैगशिप एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, ICC की ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट होती है, इसमें क्या क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट होती है, इंडिया एनर्जी समिट होती है, कन्वर्जेंस इंडियन लीडरशिप समिट होती है, एग्रो प्रोटेक होता है, इंडियन इंश्योरेंस समिट होती है, ICC म्यूचुअल फंड समिट होती है, मतलब कई सारी समिट्स होती हैं ये, नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट, इंडिया एनर्जी समिट, तो ये सब होती है इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इन सब पर डिस्कशन होता है, बात होती है। और इस समिट में क्या होता है, जो पूरी की पूरी इंडिया है उसमें अब्रॉड में, ठीक है, तो यहाँ सभी जगह पे होती है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी होती है। और उसमें जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, की स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, उनको एड्रेस किया जाता है, उन पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्लियर है। तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के लिए है ये, ठीक है, क्लियर है ओके। ये हमने ICC के बारे में डिस्कस कर लिया। ICC क्या है? ICC देता है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ही बेसिकली आपको डिस्कस करना था। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किस किस सेक्टर में दिया जाता है वो हम बता देते हैं। एक तो इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, किस किस तरह की अवार्ड्स इन ईच कैटेगरी इन ईच रीजन, ठीक है। तो किस किस तरह की कैटेगरी, लाइक टॉप इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज टॉप इंडस्ट्रीज हैं, MSME है, डिस्कॉम है, इन सभी को दिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का, रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उनके लिए जो वर्क कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो टॉप इंडस्ट्री इन रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन, लार्ज टॉप इंडस्ट्री इन रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन, MSME टॉप स्टेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, और ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर, ग्रिड कनेक्शन जो है आपका रूफ टॉप सोलर, इन सभी के लिए, मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, टॉप इंडस्ट्री, लार्ज टॉप, MSME, इन सभी को। इसके अलावा पैन इंडिया अवार्ड, ये देखिए सोलर पार्क है, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, टॉप सोलर पार्क को दिया जाता है। टॉप रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चर, सोलर के लिए विंड का मैन्युफैक्चर है उनको दिया जाता है, बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर है उनको दिया जाता है, ठीक है। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, उनको दिया जाता है, ठीक है, तो इन सभी को दिया जाता है। तो ये हो गए आपके अवार्ड्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया जाता है, नाम से समझ आ रहा है ग्रीन ऊर्जा, जो ऊर्जा एनर्जी है और कैसी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने वाले जो जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सभी को अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अब दे कौन रहा है? ICC दे रहा है, लेकिन नॉलेज पार्टनर इनका है टेरी। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन टेरी, ये गवर्नमेंट का है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। अब ICC इनको अवार्ड तो देगा, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने किस तरह का वर्क किया है, ठीक है, मतलब अवार्ड के लिए पहले आपको उनका पूरा पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना, कि वर्क किसने ज़्यादा अच्छा किया है, किसने, जैसे यहाँ पे ये जो आपका है इरेडा, इन्होंने वर्क किस तरह से किया है, ये चीज़ पता होगी तभी तो इनको अवार्ड मिला है। 10 कंपनीज में से कंपेयर करके कौन बेस्ट है वो चीज़ निकाल के तो उनको अवार्ड देते हैं। तो जो नॉलेज है वो कौन गैदर करेगा? वो करेगा टेरी, ठीक है। तो इनका नॉलेज पार्टनर है ICC का टेरी, तो टेरी बेसिकली बताएगा कि किसको देना है, और ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, टेरी, क्लियर है। तो इसका नॉलेज पार्टनर टेरी है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने इरेडा के बारे में डिस्कस किया, ICC के बारे में डिस्कस किया, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कौन देता है ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की, फिक्की से डिफरेंस भी देख लिया। आपके लिए कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।